करोड़ लोग अगर प्रोटेस्ट करते रहें तो क्या बाकी के 100, 110 करोड़ लोग अगर आप मजहबी नारे लगाते हैं क्या वो आपका हिस्सा बनना पसंद करेंगे? मैं ये कहती हूँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल इंडियन सोसाइटी, एवरीबडी शुड बी अलाउड, वेलकम्ड टू बी एंड टू से वट एवर दे वॉन्ट टू से. वो प्रोटेस्ट का जो भी कुछ मतलब, वो जय श्री राम कह के, वंदे मातरम कह के, भारत माता की जय कह के, खालसा का नाम लेके, कुछ क्रिसमस क्रिश्चियन अगर नारे हों वो लेके, सब कुछ लेके आप आइए, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए. बट वी आर नॉट एन आइडियल सोसाइटी. तो इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस इन प्रोटेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा, इसका बेस बड़ा करना होगा. आप कलमे पढ़िए, इबादत करिए, ये आपका हक है, और अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसी शक्ल में मौजूद है, आपको हक देता है पूरी तरीके से. लेकिन जब आप पब्लिक में आए, यू आर अ मुस्लिम, इस बात में कोई शक नहीं, और आपके ऊपर हमला हो रहा है, इस बात में भी मुझे कोई इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में मुझे एतराज़ नहीं है. लेकिन एक बात को ज़रूर समझिए कि ये प्रोटेस्ट इंडिया के सेक्युलरिज्म, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई है, और इसे हमें इंक्लूसिव बनाना है. दिस डजंट हैव टू बी मुस्लिम ओनली प्रोटेस्ट. और मैं माफ़ी के साथ उन तमाम लोग जो जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, मैं जानती हूँ लोग असर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहीं पर हमला हो रहा है जहाँ से असर्शन आ रहा है. लेकिन एक बात जो इस मंच से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाएँ जहाँ हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीव्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें. और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ हम सबको शामिल करेंगे. तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. फिर से मैं यहाँ पर इसको रिट्रेट, आई वॉन्ट टू रिट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं. कि क्या हम इन प्रोटेस्ट में मजदूरों को, किसानों को, आदिवासियों को, ओबीसीज को, इवन अपर कास्ट हिंदूज को, जो ये समझते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, तमाम वो लोग जो कि आम लोगों के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में यकीन रखते हैं, वो किसी भी पहचान के हों, वो सब आएं और इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लें.